हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस टेक GNT में। और आज हमारे पास रेडमी नोट 5 प्रो है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें लेटेस्ट MIUI 10.0.2.0 का स्टेबल अपडेट हमने इंस्टॉल कर रखा है। और गाइस, अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि रेडमी नोट 5 प्रो में न्यू स्टेबल अपडेट रोल आउट होने स्टार्ट हो चुका है, जिसका वर्जन है MIUI 10.0.3.0। पर गाइस, अभी तक मुझे नहीं मिला है, तो मैंने गाइस इसे मैनुअली डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसका जो फाइल है OTA फाइल, वो है 316 MB। तो गाइस देख सकते हैं, मैं आपको भी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप भी फिर मैनुअली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस इसका जो फुल रोम है वो भी मेरे पास लिंक है, तो गाइस चलिए अब इसे मैनुअली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस सेटिंग में आपको जाना है, उसके बाद जाना है अबाउट फोन में, उसके बाद सिस्टम अपडेट में, उसके बाद आपको करना है 3 डॉट्स पे क्लिक, उसके बाद चूज़ अपडेट फ्रॉम पैकेज, उसके बाद करना है आपको इंटरनल स्टोरेज, उसके बाद जहाँ पे आपकी फ़ाइल वो सेव होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कैसा लगता है 10.0.3.0 का फर्स्ट लुक। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है वो फाइल, उसके बाद ओके पे सिंपली क्लिक कर देना है। और गाइस देखिए, गेटिंग इन्फो कर रहा है, अगर फाइल ये सही होगी तो डिक्रिप्टिंग हो जाएगी। देख सकते हैं आप, ये डिक्रिप्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। और गाइस देख लेते हैं आप कितना टाइम लगाती है ये डिक्रिप्ट हो रही है। देख सकते हैं आप, जैसे कि देखिए गाइस, अपडेट एंड रिबूट का ऑप्शन आ चुका है। और गाइस अगर आप मैन्युअली करेंगे तो आपका कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा, तो हम रिबूट एंड अपडेट पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे कि गाइस देखिए, अब इसमें सर्कल आ रहा है, अब ये रिबूट होना स्टार्ट हो चुका है और उसमें न्यू अपडेट अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, MI का लोगो आ चुका है बना हुआ और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब 10.0.3.0 इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। और गाइस 2 दिन बाद मैं आपको इसका फुल चेंज लॉक दे दूंगा, मतलब आज वेडनेसडे तो फ्राइडे तक आपको मैं इसका फुल चेंज लॉक पक्का दे दूंगा। और गाइस जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइस इस वीडियो को एक यार लाइक भी कर दो, और ऐसी वीडियोस के लिए, क्योंकि हम आपको सबसे पहले इसकी अपडेट की न्यूज़ देते हैं, तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हाफ हो चुका है, आप देख लेते हैं और इसे कितना टाइम लगता है। गाइस जो इसका अपडेट वाला प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब गाइस जो डिवाइस है वो रिबूट हो रहा है, उसे कंप्लीट होने में गाइस 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो गाइस आपके भी 6 से 7 मिनट लग सकते हैं, तो आप देख लेते हैं ये कितना टाइम लेता है ओपन होने में। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है MIUI 10.0.3.0 पे। गाइस का फर्स्ट ओवरव्यू देख लेते हैं कैसा है। तो गाइस अबाउट फोन में आपको मैं दिखा देता हूँ, सिस्टम अपडेट में तो इसका जो वर्ज़न है वह है 10.0.3.0, जो कि स्टेबल वर्जन है, जो सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइस व्हाट्स न्यू में आप देखते हैं उन्होंने क्या मेंशन किया है। इसमें लिखा हुआ है रिस्टोर्ड अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू अक्टूबर, मतलब इन्होंने जो सिक्योरिटी पैच है वो अक्टूबर का कर दिया है। रिस्टोर्ड मेमोरी लीक्स, जो मेमोरी लीक करते हैं तो ये क्लेम करते हैं, इन्होंने रीसेट कर दिया है। और लॉक स्क्रीन स्टेटस बार, नोटिफिकेशन बार, रिस्टोर्ड लॉक स्क्रीन डिडंट गेट लाइट अप आफ्टर रिसीविंग अनइम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मतलब लॉक स्क्रीन लाइट अप नहीं होती थी अनइम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ, तो अब वो लाइट अप होना स्टार्ट हो जाएगी। कैमरा में इन्होंने भी बग्स फिक्स करे हैं। रिस्टोर कलर रेंडरिंग इशू, तो देख लेते हैं इन्होंने कितना बग्स फिक्स किया है। ये जो कलर रेंडरिंग इशू था जिसके साथ आता था वो रिस्टोर हो चुका है। तो गाइस मैं इसका 1-2 दिन बाद टेस्टिंग करके फुल चेंज लॉग बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि आपको इसे इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बैटरी टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, सारे टेस्ट इसमें करके दिखाऊंगा आपको, और बताऊंगा क्या अपडेट ये अच्छी है या बेकार है। तो गाइस उस वीडियो का आप वेट कर सकते हो, उसका इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सिक्योरिटी पैच है वो अपडेट कर दिया है इन्होंने, वो देख सकते हैं आप, जैसे कि 1 अक्टूबर का कर दिया है। शायद ज़्यादातर इसी के लिए इन्होंने ये दिया था ये वाला अपडेट, जो कि हमें बहुत जल्दी मिल जाता है, बस 10 दिन बाद इन्होंने नया अपडेट रोल आउट कर दिया है, जो काफ़ी अच्छी बात है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही न्यू अपडेट्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू गाइस हमारे वीडियो देखने के लिए।